हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को, जो कि है थेल्स थ्योरम, जिसका कि दूसरा नाम बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरम है क्या, इसे जान लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले देखते हैं थ्योरम है क्या। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर two side in distinct point, then the other two side are divided in the same ratio. यानी कि इस थ्योरम में यही बताया गया है कि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या है, एक किसी भी साइड के जस्ट पैरेलल कोई एक अदर साइड खींचा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी लाइन खींच रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, दो अदर साइड पर। ठीक है, दो अदर साइड पर इंटरसेक्ट जब करेगा, तो यही प्रूफ करना है कि वो जो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ किए हैं, कौन सा, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं डीई। तो प्रूफ करना है कि ये जो एडी है, एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी। ठीक है, ये प्रूफ करना है कि उन दोनों का रेशियो जो होगा, यानी जिस पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला कि कोई भी थ्योरम अगर हम प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो गिवन है उसे आप लिख लें, उसके बाद फिर जो प्रूफ करना है वो लिख लेना है, उसके बाद फिर क्या है कि आगे प्रूफ कैसे करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो था हमारे पास क्या है, गिवन ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी। यानी कि सपोज हम लोगों ने यही किया है कि एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, इस ट्रायंगल में एक बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए हैं जिसका कि नाम क्या है, डी ई। वही यहाँ लिखा गया है कि डी ई पैरेलल बी सी, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी, यानी कि ए बी और ए सी इन दोनों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कहां, तो एक पॉइंट डी पर और दूसरा पॉइंट ई पर। ठीक है, देन यही लिखा गया है कि डी ई डी एंड डी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध तरीके से, यानी अगर हम लोगों ने ए बी पहले लिखा है तो जो डी है वो हमारा ए बी के साथ होगा और ए सी जो होगा वो हमारा ई के साथ। फिर से इस गिवन को मैं बता देती हूँ कि इसमें यही लिखा गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि बी सी पैरेलल है किसके, डीई के। उसके बाद क्या है, डीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन पर, एक पहला ए बी लाइन सेगमेंट पे और दूसरा ए सी पर। ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, डी पॉइंट पे यहां पर, और फिर ए सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पर। ठीक है, चलिए गिवन हो चुका है, अब प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ AD by DB is equals to AE by EC, यानी प्रूफ हमें यही करना है कि AD by DB is equals to AE by EC, ये प्रूफ हमें करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया गया है, सबसे पहला कि कंस्ट्रक्शन हम सब यही करते हैं कि BE को ज्वाइन कर देते हैं, उसके बाद CD को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि BE को ज्वाइन किया जाएगा और उसके बाद CD को ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि EL परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि AB लाइन सेगमेंट जो है उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, EL होगा। ठीक है, यानी कि AB पर एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि परपेंडिकुलर है, वो हमारा EL है। नेक्स्ट फिर एक और कंस्ट्रक्शन किया गया है कि अब दूसरा लाइन सेगमेंट यानी एसी, एसी पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां पर दिख रहा होगा कि डीएम परपेंडिकुलर, यानी कि एसी पे एक और अदर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका कि नाम डीएम है। ठीक है, फिर क्या है, प्रूफ करते हैं, अब क्या प्रूफ करेंगे,
दो साइड, दोनों साइड वाले ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। चलिए एक बार फिगर यहां मैं फिर से बनाती हूं। एक बार इस साइड से लेकर चलेंगे, इस तरीके से पहले मैं फिगर बना देती हूँ। पहले बार में क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड वाले साइड को लेकर चलते हैं, यानी कि एबी। एबी से रिलेटेड दो ट्रायंगल बना है, एक यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है पहला ट्रायंगल एडीई, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, डीबीई। दो ट्रायंगल निकला है इस तरीके से, एक ट्रायंगल इस तरीके से एडीई है और दूसरा ट्रायंगल एक इस तरीके से है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या किया गया है, प्रूफ में किया गया है, एरिया ऑफ निकाला गया है, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इन टू बेस इन टू हाइट होता है, तो एडीई लिया गया है। इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, कौन सा, ई एल, ठीक है। तो ए डी ई यानी कि ये वाला ट्रायंगल लिया गया है, ऊपर वाला। ए डी ई वाले में क्या किया गया है कि लिखा गया है हाफ का हाफ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये ए डी ये वाला होगा, ठीक है। और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहाँ पे ई एल, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ई एल है, तो ई एल लिखा गया है। फिर दूसरा ट्रायंगल लिया गया जो कि इससे रिलेटेड है, डीबीई नीचे वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेस हमारा क्या होगा, डीबी, ये यहाँ क्लियर दिख रहा है, बेस यहाँ पे है, और परपेंडिकुलर दोनों का सेम होगा, यानी कि ऊपर वाले यानी एडीई और डीबीई दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, ईएल ही होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ईएल ही लिखा गया है। आगे क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। दोनों का रेशियो यहाँ पे निकाला गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यहाँ पे है, एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, इन दोनों का रेशियो यहाँ निकाला गया है, हाफ मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ईएल बाय 1/2 मल्टीप्लाई डीबी मल्टीप्लाई ईएल। ईएल और ईएल आपस में कैंसिल, हाफ और हाफ आपस में कैंसिल, तो बचा हमारे पास क्या, एडी बाय डीबी, ठीक है, ये क्लियर होगा। आगे अब क्या करते हैं, राइट साइड वाले साइड को लेकर चलते हैं, यानी कि अब लेकर चलेंगे एसी को। अब एसी को लेकर चलते हैं। चलिए तो एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, यहां पे एसी पे परपेंडिकुलर क्या है, डीएम, तो यहां डीएम हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डीएम, ठीक है। अब इसमें दो फिगर बनेगा, दो ट्रायंगल बना है, पहला इस तरीके से ए डी ई जिसपे की परपेंडिकुलर डीएम है, और दूसरा ट्रायंगल एक इस तरीके से बना है जो कि हमारा है डी ई और सी, ठीक है। चलिए तो लिया गया यही है, जब हम इस वाले यानी कि राइट वाले साइड एसी को लेकर चलते हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल क्या आएगा, ए डी ई आएगा, उसमें हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए ई आएगा और परपेंडिकुलर डीएम, यहां पे वही लिखा गया है, हाफ मल्टीप्लाई ए ई मल्टीप्लाई डीएम। फिर दूसरे ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, डी ई सी, इस वाले में बेस हमारा यहाँ पे ई सी लिखा गया, यहाँ पे ई सी मल्टीप्लाई, और जो परपेंडिकुलर इसका है यानी ऊपर वाले का जो परपेंडिकुलर है वही क्या होगा, इसका भी होगा, डीएम ही होगा, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो यानी इसका रेशियो और इस वाले का, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकाले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और दूसरा बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी लिया गया, क्या दोनों का रेशियो निकाला गया, डीएम और डीएम आपस में कैंसिल, हाफ और हाफ आपस में कैंसिल, तो ए बाई ई सी आया। इसको सेकेंड इक्वेशन रखें, यहाँ पे जो रेशियो आया था पहला वाला वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारा सेकेंड। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस
इसके बाद देखते हैं कि जब ट्रायंगल इस तरीके से है, ए डी ई और बी सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है कौन सा, डी ई बी ये वाला, और एक ट्रायंगल है डी ई और सी ये वाला, दो ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, यहां दिख रहा है, बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। बेस क्या है, डी ई। ये 9th क्लास में प्रूफ किया गया था थ्योरम, ठीक है। थ्योरम यही था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल जो कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हो, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और साथ साथ दोनों का बेस अगर सेम हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये फिर से मैं बता देती हूँ कि थर्ड, यानी थर्ड वाला क्या देखते हैं हम, कि दो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन कौन सा, एक डी ई बी और दूसरा डी सी ई। इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, यानी डी, ठीक है, और ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, यानी डी और बी सी, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम क्लास 9th में है। चलिए तो यही लिख लेते हैं हम, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी हैव सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन लाइन डी ई एंड बी सी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हुआ, डी ई सी पहला लिया गया, फिर डी सी था वाला, और फिर डी बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 रख लेते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन में फर्स्ट वाले का रेशियो आया जो कि लेफ्ट वाले से हम निकाले थे, लेफ्ट वाले दोनों ट्रायंगल से, फिर दूसरे वाले से ये इक्वेशन निकला जो राइट वाले साइड से हम दोनों का बेस लेकर निकाले हैं, फिर तीसरा क्या हुआ, दोनों का इक्वल हुआ। बस अब यहां तक करने के बाद डायरेक्टली क्या करेंगे, लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3। इस 1 2 3 से क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। बस प्रूव्ड हो गया हमारा ये थ्योरम। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार इस थ्योरम को बता देती हूँ। ये थ्योरम जो था उसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम में यही दिया गया था कि हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के रेशियो, सॉरी किसी एक साइड के पैरेलल कोई अदर साइड अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, किसी दो पॉइंट पे, यानी अदर दो साइड पे, दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो प्रूफ यही करना था कि जो रेशियो है इन दोनों का, यानी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, यही हमें रेशियो प्रूफ करना था कि ये दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल करने के लिए सबसे पहले मैं ये बताई हूँ कि जो थ्योरम है उसे प्रूफ करने के लिए दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो कि लिखना जरूरी होता है। सबसे पहला आप गिवन लिखिए कि आपके पास है क्या क्या, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसे लिखिए, टू प्रूफ, और थर्ड फिर अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और फाइनली प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ करने में मैं ये बताई हूँ कि एक बार क्या करेंगे, ए बी इसको बेस लेकर चलेंगे, तो दो ट्रायंगल मिलेगा हमारे पास, एक ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला ए डी ई ये वाला, और दूसरा डी बी ई, इसको लेकर चलते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया, दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो जब निकल जाएगा तो वो इक्वेशन 1 होगा। फिर क्या करेंगे, राइट साइड वाले से, राइट साइड वाले को बेस रखकर
एक ट्रायंगल एडीई और दूसरा डीईसी, इन दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फाइनली मैं ये बताई हूं कि दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल डीईबी और दूसरा डीईसी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है और साथ साथ क्या है, ये हमारा सेम बेस डीई पर है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये नाइन्थ वाले क्लास से था, उसके बाद ये थर्ड इक्वेशन हमारा हो गया। और फाइनली क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को निकालने के बाद क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, तो इक्वेशन 1, 2, 3 क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ही इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक में मैं कोई दूसरा थ्योरम बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।